नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक्सपर्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिस तरह से आपने हमारे एक्सपर्ट सीरीज सीजन 1 को प्रतिसाद और प्रेम दिया। यह आपका प्रेम और प्रतिसाद ही है कि हम एक्सपर्ट सीरीज सीजन 2 लेकर आपके सामने आए हैं, और हम आशा करते हैं कि इस सीजन में भी आपका उतना ही प्रेम और प्रतिसाद हमें मिलता रहेगा। हम सबका जीवन बिल्कुल एक कहानी की तरह होता है। इस कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे सुंदर और रंगीन सपने देखते हैं। यह सपने होते हैं कुछ अचीव करने के, कुछ पाने के, कहीं पहुंच जाने के, और इसी तरह से हमारी कहानियां शुरू होती हैं। इन सपनों की लंबी सी फहरिस्त में बहुत सारे लोग जीवन संघर्ष में अपने सपनों को या तो छोड़ देते हैं या कहीं भुला देते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सपनों के लिए दिन रात एक कर देते हैं, संघर्ष करते हैं, हर संभव प्रयत्न करते हैं कुछ पाने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हमें मिलने आते हैं, उनका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वह अपने सपनों के लिए दिन और रात मेहनत किया करते हैं और एक मुकाम बना लेते हैं, एक जगह पहुंच जाते हैं, और हम सब उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, दिशा प्राप्त करते हैं, हमारे नवयुवकों को प्रेरणा देते हैं। जहाँ हम इन गुणियों ज्ञानियों की बात करते हैं, वही हमारा एक और कर्तव्य है, एक और दायित्व है। ऐसे नवयुवकों को, ऐसे नवयुवतियों को, ऐसे नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना जो आज भी अपने सपनों को पाने के लिए प्रयत्नरत है, प्रयत्नशील है। ये युवक और युवतियाँ दिन और रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो उस मुकाम को हासिल कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सके। ये युवक और युवतियाँ न सिर्फ स्वयं के सपनों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। एक समाज के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक कलाकार के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम इन प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन दें, उन्हें भी एक स्टेज, उन्हें भी एक जगह दें। पर वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इसी कारण एक्सपर्ट सीरीज के सीजन 2 से जहां हम संगीत मनीषियों से बात करेंगे, साथ ही साथ हम नई प्रतिभाओं को भी आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आप और हम उन्हें धन्यवाद दे सकें, उन्हें प्रोत्साहित कर सकें। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप इन युवक और युवतियों को, इन नई प्रतिभाओं को अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करें। शास्त्रीय संगीत और विभिन्न विधाओं को अगर हमें आगे लेके जाना, अपनी संस्कृति और कला को आगे लेके जाना है, तो संगीत मनीषियों के साथ साथ इन नव प्रतिभाओं का भी आगे आना, सबके सामने पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट सीरीज सीजन 2 से यह नया एडिशन इसी बात का एक प्रयत्न है। मैं आशा करती हूँ आपका इस सभी में हमको योगदान रहेगा।
माने ना, माने ना कान्हा मूल बात माने ना, माने ना कान्हा मूल बात माने ना, माने ना कान्हा मूल बात माने ना। सुनरी सखी मुरली, सुनरी सखी मुरली, हर लियो प्राण कब कछु जानू ना, जानू ना कान्हा मूरी बात माने ना, माने ना कान्हा मूरी बात माने ना, माने ना कान्हा मूरी बात माने ना, माने कान्हा मूरी बात माने ना, माने ना कान्हा मूरी, कान्हा मूरी, कान्हा मूरी बात माने ना, माने ना। पंडित जी, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आपका संगीत से, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंध कैसे जुड़ा? ये आपके परिवार का हिस्सा था, किस तरह से आप इस क्षेत्र में आपका पदार्पण हुआ? बराबर है, संगीत की जो परंपरा है वो मुझे मेरी फैमिली से ही प्राप्त हुई। जी जी, मेरे जो दादाजी थे वो दत्तात्रेय उपाख्य बाबा साहेब देशपांडे, जो उस जमाने के बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत गायक थे, और वो रेडियो पे वगैरह वही उस जमाने में गाते थे, तो वो मेरे दादाजी। फिर मेरे पिताजी जो थे अमृतराव देशपांडे, वो हारमोनियम बजाते थे। और हमारी फैमिली में बहुत अच्छा संगीत का वातावरण था। मेरे बड़े भैया भालचंद्र देशपांडे जी तबला बजाते थे, और हम पूरा फैमिली तुलसी रामायण को कुछ ऐसे धुन बना के हम वो पूरा तुलसी रामायण गाते थे। जैसे सुंदरकांड होता है उसमें, वो सुंदर कांड हम पूरा पाठ करते थे। और वहाँ पे जो मारवाड़ी समाज था, तो उस मारवाड़ी समाज को मेरे पिताजी वो रामायण सिखाते थे, तो उसमें हम लोग सब लोग गाते थे। मेरी दो बहनें थी तो वो भी गाते थे, और हम सब लोग मिलके वो रामायण का पाठ करते थे। तो उसमें मैं जब गाता था, तो मैं सब एकदम छोटा था, तो उस वक्त ये समझ में आया कि इसका आवाज अच्छा है। तो वहाँ पे प्रभाकर राव चीपे गुरु जी करके थे यवतमाल में, विदर्भ में, तो उन्होंने बोला कि इसका आवाज अच्छा है, इसको गाना सिखाओ। तो मैं उसको सिखाऊंगा। वो मेरे पिताजी के मित्र ही थे, तो उन्होंने पहले उनसे गाना सिखाना शुरू किया। फिर उनके यहाँ मैं उपांत विशारद तक फिर मैंने गाना सीखा। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ पे यवतमाल में पनके गुरु जी थे, दत्तात्रेय पनके, जो कृष्णराव पंडित के परंपरा से थे, तो उनके पास भी मैं एक साल सीखा। तो ऐसा वो गाने का ये शुरू हुआ। और मैं जब छोटा था तो मैं भावगीत, भक्ति गीत, अभंग, इसके प्रोग्राम भी करते थे हम लोग। और बहुत जगह मेरे, मैं छोटा था तभी प्रोग्राम हो गए। तो पूरे विदर्भ में राम देशपांडे एक छोटा लड़का गाता है, ऐसा एक नाम मेरा वहां पे हुआ था। उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि अरे भाई, अच्छा गाना सीखना है तो और बहुत सीखना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं नागपुर आया, और नागपुर में मैंने पंडित प्रभाकर राव देशकर जी से पहले तालीम लिया। उसमें मैंने ये किया कि विशारद और अलंकार, ये मेरा वहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। और वहाँ पे मेरा थोड़ा बेस जो है गाने का, वो पक्का हुआ। उन्होंने पहले मेरे को बोला कि पहले कुछ कहीं बाहर गाने का नहीं, पहले आवाज ठीक कर लो, क्योंकि मेरा आवाज चेंज हो रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया कि कैसा आवाज करना चाहिए, रियाज कैसे करना चाहिए, और जो ताल लय का जो काम है वो भी उन्होंने बहुत अच्छा पक्का करा लिया। वो क्या करते थे कि ठेका लगाते थे, बीच में रुक जाते थे, और हमने बराबर मन में ठेका पकड़ के सम पे आने का, बीच में ठेका बंद कर देते,
और हम बराबर सम पे वो था बजाते तो हमारा भी आना चाहिए वहां। सही बात है, सही बात है। तो इससे क्या होगा कि आवर्तन का एक अंदाज जो होता है उसमें हम पक्के होंगे। तो ये सब बेसिक जो दिशकर जी के यहाँ हुआ उसकी वजह से मैं फिर आगे बम्बई में घरानेदार जो गाना है वो अच्छी तरह से सीख पाया। जैसे पंडित यशवंत बुआ जोशी जी, पंडित उल्लास पिशालकर जी, पंडित बबन राव हल्दनकर जी, पंडित यशवंत राव महाली जी, इन सब से और पंडित वीरा आठोली जी से डॉक्टरेट के मार्गदर्शन में, तो ऐसे सभी परंपराओं का मैं ज्ञान जो ले सका उसका बेस मेरा पक्का किया था वो देशकर जी ने। और फिर मैं बम्बई आया था। बम्बई में मैं 1988 में आया और फिर यशवंत बुआ जी से तालीम लेना शुरू किया, पंडित उल्लास पिशालकर जी से तालीम लेना शुरू किया। तो उनको मैंने पूछा था यशवंत बुआ जी से कि मैं उल्लास जी के पास जाऊँ क्या, बाकी जब टाइम रहता तो वो मैं डोंबिवली में मैं भी रहता था और उल्लास जी भी रहते थे तो उनके पास मैं सीखने जाऊँ क्या। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ जाओ, वो भी अपने घराने से ही है। तो ऐसे दोनों गुरु के पास 4 साल में पूरा सीखता रहा, सुबह यशवंत बुआ जी के पास जाना, शाम को उल्लास जी के पास जाना और दिन भर अपना बाकी जो बचा हुआ है उसमें रियाज करना। ऐसा मेरा टाइट शेड्यूल था, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक। तो वो जो 4 साल मैं सीख पाया वो बहुत मेरे ख्याल से मेरे जिंदगी एक अलग मोड़ पे आने की ये हुई कारण ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कलकत्ता भी गया उल्लास जी के साथ, संगीत रिसर्च एकेडमी में 1 साल रहा उनके साथ। फिर उसके बाद मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं बम्बई वापिस आया और फिर बम्बई में मैं फिर से बबन राव हल्दनकर जी से आगरा घराने की तालीम लिया। वैसे मुझे अलग 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 परंपराओं की तालीम मिली है। जैसे आपने पूछा है तो जैसे यशवंत बुआ जोशी जी जो थे वो ग्वालियर और आगरा जी, उसमें ग्वालियर की परंपरा जो थी वो मीराशी बुआ की परंपरा थी और आगरा की परंपरा थी जगन्नाथ बुआ पुरोहित। फिर छोटा गंधर्व जी की जो एक ललित गायकी थी जैसे नाट्य संगीत में वो बहुत माहिर थे तो उसकी परंपरा भी मुझे उसमें प्राप्त हुई यशवंत बुआ जी से। अच्छा। उसके बाद उल्लास जी से पंडित राम मराठे जी, गजान बुआ जी, इनके पास वो सीखे थे, इसलिए 3 घरानों की तालीम मुझे मिली, ग्वालियर आगरा और जयपुर। फिर बबन राव जी से खास खादिम हुसैन खास साहब की परंपरा आगरा घराने की तो वो मुझे प्राप्त हुई। फिर मैं यशवंत महाले जी के पास भी गया था सीखने के लिए, तो उसमें से मुझे भातखंडे परंपरा, रातन जनकर जी, पिंडे भट्ट परंपरा, ये सब इसमें जो ये विद्वान लोग हो गए उनकी परंपरा का गाना मुझे मालूम हुआ, शास्त्र का गहरापन और कला में उसका प्रयोग कैसे होने चाहिए, स्वरोच्चार, स्वर लगाव, राग में कौन से अंग होते हैं, तो ये सब सीखने को मिला महाले जी से। उसके बाद मेरा नजरिया पूरा बदल गया कि राग कैसा देखना चाहिए। तो एक अच्छा गाना बनना और इन सब चीजों का मालूम होना और उसके बाद गाने को देखना ये भी एक अलग बात होती है जी, तो इसलिए महाले जी के भी बहुत अच्छे संस्कार मेरे को मिले और इसकी वजह से आज हम अनेक रागों का ऐसे अभ्यास करते हैं कि आज मैं जब सिखाता हूँ तो सब विद्यार्थी को बताता हूँ कि भाई राग कैसे सीखना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे उस राग का दर्शन होना चाहिए, ना कि आर्टिस्ट सामने आना चाहिए। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे संस्कार गुरुओं से मुझे प्राप्त हुए। उसके बाद जब मैं डॉक्टरेट किया तो वीरा आठोले जी की, विलायत हुसैन खान साहब की परंपरा भी मुझे प्राप्त हुई। तो मैं ये बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि बहुत अच्छी गुरु परंपरा मुझे प्राप्त हुई और मुझे जितना पॉसिबल था उतना मैं ले सका और ये भगवान की मैं आशीर्वाद मानता हूँ। हाँ, ऐसा है कि किसी भी गुरु का गाना पूरा तो नहीं ले जा सकता है, लेकिन जितना हम ले सके अपनी जितनी पावर हो, अपनी जितना कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से मैंने वो लेने की कोशिश की है और आज एक नया गायकी का रूप उसकी वजह से मेरे गाने के रूप में सामने आया है क्योंकि वो सबका कॉम्बिनेशन है। वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने 3 घरानों के गायकी ली है, सीखी है, उसके अलावा कई सारे कलाकारों की गायकी का प्रभाव आपके ऊपर है। आपने खुद कहा है कि पंडित भीमसेन जोशी जी, मल्लिकार्जुन मंसूर जी, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी, पंडित कुमार गंधर्व जी, पंडित राम मराठे जी, पंडित निवृत्ति बुआ जी, इन सबके गायकी का प्रभाव आपके ऊपर है।
जब इतने सारे गायकों की गायकी का आपके ऊपर प्रभाव है, उनसे अपने लिया है, इतने सारे घरानों की शिक्षा ली, और तीनों घराने अपने आप में अलग अलग विशेषता रखते हैं, तो इस सबका आपने अपने ही गायकी में एक मिश्रण, जिसको हम ये कहते हैं कि आपने मिक्स कैसे किया, मतलब मिक्स इज नॉट द राइट वर्ड, कॉम्बिनेशन कैसे, हाँ उसको कैसे एक ही गायकी में पाया आपने। एक कलाकार जो होता है तो उस पर कई लोगों का प्रभाव होना तो बट नेचुरल है, लेकिन उसमें से अपने को क्या सूट हो रहा है इस पर कलाकार ने ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अपने को जो सूट हो रहा है, हाँ भाई एक पीले कलर की पैंट और लाल कलर का शर्ट किसी हीरो को अगर अच्छा दिखता हो तो उनको किसी नॉर्मल आदमी को अच्छा दिखेगा ऐसे नहीं, वो स्क्रीन पे वो पिक्चर में वो अच्छा दिखता है और वो हमको हमको भी अच्छा लगता है कि हम जब बाहर से देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने को सूट होता है कि नहीं ये कलाकार को सूट होता है। वैसे मैं ये एग्जांपल हरदम देता हूँ कि भाई इसलिए अपने को क्या सूट हो रहा है वो लेना है। बहुत अच्छी चीजें वर्ल्ड में बहुत है, जैसे अनेक गायक है उनके गाने में बहुत अच्छी चीजें, उसमें से हमको क्या सूट हो रहा है, हम हमारे गाने में क्या सूट हो रहा है। जैसे मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने घराने के लोगों का गाना सुनता हूँ, जैसे आपने बोला कि भीमसेन जोशी जी तो हमारे किराने घराने के थे, हम तो किराने घराने से ताल्लुक नहीं रखते ज्यादा, लेकिन किराने घराने के भी अनेक लोगों का प्रभाव मेरे पे था। निवृत्ति बॉय जी के बारे में आपने बात की तो वो एक सवाई गंधर्व जी के पास सीखे थे और दूसरा अल्लाह दिया खा साहब के पास, तो जयपुर और किराना वो हरदम बोलते थे कि किराने घराने का संस्कार होना जरूरी है किसी पे भी, क्योंकि सुर का जो संस्कार है, सुर का जो सूक्ष्मता है वो किराने घराने में पाई जाती है, तो इसलिए उसका प्रभाव किसी भी आर्टिस्ट पे होना ही चाहिए, वो किराने घराने का हो या न हो। हमारे घराने में ऐसे आपको दिखेंगे बहुत कलाकार की वो बोलेंगे कि नहीं किराना घराने हमारा तो जयपुर हमारा आगरा हमारा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी भी घराने की जो अच्छी बात है वो हम किसी अच्छे कलाकार को लेना चाहिए और उसमें से अपना गाना बनाना चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके मैंने मेरा गाना जो कुछ हुआ है वो सेट किया है, और किसी कलाकार को ये मेरा गाना या मैंने बनाया ऐसे जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब सही में मैंने बनाया ऐसे मेरे दिल में नहीं, वो बन गया है। किसी नए निर्मिति का जो अहंकार होता है वो किसी सच्चे कलाकार को नहीं होता, क्योंकि वो रेफरेंस की सिर्फ ये होती है इधर उधर करना होता है, वो पहले से है ही, सिर्फ हम उसका रेफरेंस लिया है और उसको एक दूसरे के साथ जोड़ा है और नया रूप उसको दिया है जी, ये होता है जी। तो इसलिए उसका जो कुछ होना है किसी का आना है हमारे गाने में तो वो कोई तय नहीं होता है। समझो एक आधा काम चल रहा है और उसमें ऐसे लगा कि भाई यहाँ पे ऐसे कुमार जी का काम अगर किया तो अच्छा लगेगा तो वो आ जाते हैं। पहले से प्लान नहीं है कि अभी कुमार जी को लाना है, अभी नृत्य बॉय जी को लाना है, अभी भीमसेन जी को लाना है, ऐसा नहीं। गाना जब चल रहा है तो अपने आप जिसका काम है वो आ जाते हैं और वो काम हो जाता है। तो ये गाने में अगर हो तो फिर वो गाना नेचुरल लगता है, वो पैचवर्क नहीं लगता है। जैसे हम गाते हैं तो हमारा एक पूरा एक्शन गाना लगता है, हमारा किसी का नकल नहीं लगता है, लेकिन याद बहुत लोगों की आती है, जो उनके फैन होते हैं वो आते हैं, क्या बात है भीमसेन जी की याद आ गई, क्या बात है इनकी याद आ गई, तो याद आना जरूरी है क्योंकि वो तो अच्छे अच्छे हो गए तो उनकी याद तो आनी चाहिए, इतने अच्छे गायक हो गए तो उनकी याद तो आनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारा गाना एक दिखना चाहिए ये जरूरी, ऐसा मेरा गायकी के बारे में मेरी ये है। तो कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा प्लान करके नहीं बनाया है, जैसे आगरा में कोई विशेषता है कि भाई बोल बना उनका जो है उनका जो अदा है उसमें जो उनको पेश कर बंदिश पेश करने की जो अदा है फैयाज का साहब की, तो उसमें से ये बात बनती है। हम जो एक आधी बंदिश बोलना है तो हम उस स्टाइल से बोलेंगे तो वो उसको ज्यादा सूट हो रहा है, इसलिए वहां पे वो आगरा आ गए। तान में समझो बल पेज की तान है तो वो जयपुर घराने की आ गई। तो ये सब जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो भी प्लान नहीं होता है, यहाँ पे जो प्रॉपर है वो अपने आप आ जाता है और वो जो गाना होता है वो अच्छा लग सकता है, ये मेरा ख्याल है। अभी अपने स्वर के लगाव की बात की जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है संगीत का, क्लासिकल का स्पेशली, तो बहुत बार देखा गया है कि ये तान वो तान, नाम नहीं लूंगी, तमाम तरह की तान होती है और स्वर का लगाव कहीं खो जाता है,
इसके बारे में आप बताइए। मैंने जैसे बोला कि नृत्य बुआ जी की बात मैंने कही कि वो बोलते थे कि किसी भी घराने का कलाकार हो पर किराने के संस्कार होना ही, तो इसका मतलब किराना घराने से ताल्लुक नहीं रहते, वो सुर का लगाव में ताल्लुक रखते। तो भाई ये बोल रहा हूँ कि सुर लगाव और स्वर लगाव और वो जो स्वर की सूक्ष्मता है वो अगर गाने में नहीं हो तो कौन सा भी अंग गाया जाए तो वो अच्छा लगेगा ही नहीं, है ना। भीमसेन जी को एक बार पूछा था कि आप सवाई गंधर्व जी के पास सीखे हैं तो आप उनके पास क्या सीखे जरा आप शॉर्ट में बताए, और उनको बोला था कि शॉर्ट में बताइए। तो भीमसेन जी बड़े यानी उनका ह्यूमर बहुत अच्छा था बोलने में, बोले शॉर्ट में क्यों, मैं दो लोज में बताता हूँ। तो बोले क्या सीखे आप सवाई गंधर्व जी, तो बोले असरदार स्वर, कोई लव नहीं बोला। क्या बात, अभी असरदार स्वर में जो कुछ गाएंगे वो अच्छा ही होगा। सही बात है ना, अगर स्वर असरदार हो तो उसमें जो कुछ गाएंगे वो भी अच्छा होगा। वो अभंग गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, पुरिया गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, तोड़ी गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है, कानड़ी भजन गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो असरदार स्वर है। तो क्या सीखा, तो असरदार स्वर सीखा। तो जो आप पूछ रही है, तो अगर दूसरे अंग जब करते हो कुछ दूसरे घराने की जो बातें है वो जो करते हो, तब उसमें अगर सुर नहीं हो तो सुर तो आत्मा है, आत्मा ही चला गया तो फिर उस जीव को क्या हम बोल सकते, वैसे गाने का हो जाएगा। इसलिए पर लगाओ, आवाज लगाओ और ताल लय का विचार, ये तीन मेरे ख्याल से ऐसी चीजें हैं कि जो बेसिक पक्की होनी चाहिए। अब आवाज उसके बाद जो गाना होगा वो अच्छा होगा। जी जी, आप आवाज साधना की भी बात करते हैं कि आवाज की इस तरह से साधना की जानी चाहिए, वो थोड़ा और विस्तार से बताइए कि आवाज की साधना आप जो एक आपका एक पद्धति है साधना की वो जानना चाहिए। ऐसा है कि आवाज साधना के बारे में आपने यहाँ ज्यादा जिसको बोलते जागरूक ही नहीं, डायरेक्टली वो किसी का आवाज अच्छा थोड़ा हो तो उसको सिखाना चालू कर। जी, आवाज के संस्कार होना ये बहुत जरूरी होता है। आवाज को पहले तैयार करना चाहिए, उसमें मैंने 10 साल उसका बहुत डीप स्टडी किया और कुछ उसमें से मैंने जिसको बोलते हैं कंक्लूजन निकाले, तो उसमें से ये है कि आवाज लगाव प्रॉपर होने के बाद फिर स्वर लगाव कर लिया जाए। पहले आवाज ठीक से आना चाहिए और फिर जो ठीक आया हुआ आवाज है उसमें स्वर लगना चाहिए। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि भाई एक आधा स्वर लगाना है तो और उसको ये लगाए तो ऐसे करते हैं, लेकिन वो आवाज जो है वो बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि वो उसको सुर को पॉइंट दे रहे हैं, इसलिए वो आवाज और कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो खुला आवाज में वो स्वर नहीं लगा, इसलिए फिर उसको एकदम बारीक कर दे रहे हैं, तो इसको बोले टोकीला कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आवाज लगाओ पहले ठीक करने से, उसके बाद अगर स्वर का रियाज हो तो मुझे लोग पूछते हैं कि भाई आवाज लगाओ इन्हें स्वर ही लगाना पड़ेगा ना, तो मैं बोलता हूँ हाँ, लेकिन तब उस आपका सब ध्यान आवाज पे होना चाहिए कि आवाज कैसे आ रही है। तो आवाज का जो मैंने अभ्यास किया हाँ, तो उसमें मैंने ये किया कि नाभि से उसका ये होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए, और छाती से पास होके गले से पास होके वो पूरी नेजल क्वालिटी और अपनी जो वोकल क्वालिटीज है वो सब होनी चाहिए, और फिर ऊपर दिमाग की तरफ आंखों की जो कैविटी है उधर और दिमाग की तरफ वो पूरा घूमना चाहिए आवाज, तभी जाके वो आवाज अच्छा लगेगा। जी, तो वो जैसे योगा में होता है जी, कि वो सांस ऊपर ऊपर लेके जाके यहाँ से ऊपर जाना है, तब वो योगा ज्यादा ये होता है। वैसे आवाज का अभ्यास ठीक से होना चाहिए, आवाज एक बार ठीक हो गया तो उसके बाद फिर उसमें स्वर लगाओ, और फिर उसके बाद स्वर लगाओ आने के बाद फिर राग गायकी, ये सब क्रम होना चाहिए। मेरे यहाँ जब कोई स्टूडेंट रहता है तो उसका आवाज लगाओ में 1-1.5 साल जाता है, क्योंकि आवाज लगाओ उसका ठीक होता नहीं, आवाज पहले ठीक होने के बाद ही मैं नेक्स्ट सिखाता हूँ। तो ऐसे जो पेशेंस रखते मेरे पास सीखे, तो आज 8-10 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं कि जो 3 घंटे की मैपिंग करते हैं। तो ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमेटिक एजुकेशन उनको मैं दे पाया, डिसिप्लिन सिस्टमेटिक एजुकेशन ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है हमारे फील्ड। इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की, धैर्य की बहुत जरूरत है और श्रद्धा की भी बहुत ज्यादा जरूरत है।
बहुत सुंदर कि भाई उसके पास पेशेंस हो तो ही हम उसको सिखाते हैं, ना कि हमारे स्टूडेंट बढ़ाने हैं। भाई स्टूडेंट आएगा तो फिर उसको खुश करने के लिए भी आज यमन लोग है, कल बिलास खाने लो, परसों ये लो, ऐसा हमने नहीं करना है। ये सब गुरु के पास भी पेशेंस चाहिए, शिष्य के पास भी पेशेंस चाहिए, तब जाके वो शिष्य एक कलाकार के रूप में 10 साल के बाद 5 साल के बाद आ सकता है। ऐसे मेरा ख्याल है और मेरा भाग्य अच्छा है कि अच्छे स्टूडेंट मुझे मिले जिनको मैं अच्छा सिखा पाया और आज भी वो सीख रहे हैं और आज अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। ये ईमानदारी दोनों की तरफ से होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। आप कहते हैं कि अलग अलग एक ही राग में अलग अलग बंदिशें सीखनी चाहिए, एक राग में कम से कम 5 से 6-8 बंदिशें तो होनी चाहिए जिससे राग रूप वो समझ सके। इस संदर्भ में आप किस तरह की बंदिशें अलग अलग रूपों वाली एक ही राग में, अगर आप कुछ बता सके, अगर कुछ गाकर बता सके या। हाँ, सबसे पहले ये है कि मैंने क्यों एक ऐसा कहा है कि भाई 4-5 बंदिशें कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि तो राग के अलग अलग एंगल्स अपने को उसमें से पता चलते हैं। और क्या होता है कि राग में जैसे अलग अलग बंदिशे का अभ्यास किया तो उस बंदिश में वो राग कैसे पेश करना है, इस बंदिश में वो राग कैसे पेश करना है, तो राग बंदिशे यानी राग का आयना है। जैसे हम अलग अलग कपड़ों में अलग अलग दिखते हैं, तो जीन्स पैंट और टी शर्ट में अलग दिखेंगे और धोती और कुर्ता में अलग दिखेंगे। तो जैसे अमिताभ बच्चन किसी पिक्चर में शहनशाह होते हैं और किसी पिक्चर में कोई कुली होते हैं तो फिर अलग अलग वो बन जाते हैं, लेकिन है तो अमिताभ। वैसे राग जो है वो कैसा होना चाहिए, तो जिसमें मिला है वैसा, पानी तेरा रंग कैसा तो जिसमें मिला है वैसा, वैसे बंदिश में वो राग अलग अलग रूप में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो मियां मल्हार राग में 2 बंदिशें है, समझो 2 मुखड़े मैं सुना रहा हूँ। एक है कि बोल रे पपी हरा और दूसरा है बिजुरी चमके बरसे। तो वो हम जब गाते हैं तो रे 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 ना बिजुरी चमके चमके बरसे, ये एक बंदिश है। दूसरी बंदिश है बोल रे पपीरा बोल रे पपी। अभी 2 मुखड़े है, राग तो वही है। हमने अगर सोचा कि मेरे को जो राग मालूम है वही मैं गाऊंगा तो वो तिलेगा नहीं, इसके हिसाब से हमको गाना पड़ेगा। जैसे हम ये अच्छा नहीं लगेगा, हम तो साफ ही खत्म कर रहे हैं, बोल रहे पपी बोल रहे हैं, तो दे रे ने रे रे बोल रहे पपी ऐसे आना चाहिए। और वही बिजुरी चमके रे बिजुरी चमके, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसके लिए तो ये बंदिशों के अनुसार गायकी, ये हम समझ सकते हैं कि कैसा होना चाहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एकादे राग में हमको जितनी ज्यादा बंदिशें मालूम हो या तो उसमें हम अलग अलग टाइप का राग उसमें पेश कर सकते हैं बंदिशों के अनुसार गायकी, ऐसा जो सब्जेक्ट था पुराने जमाने में, आज वो ठीक से रहा नहीं है, ऐसे कभी कभी लगता है। क्यों? क्योंकि एक हम फॉर्मेट याद कर लेते हैं राग का, मुझे ये राग ऐसे ऐसे मालूम है, कौन सी भी बंदिश रहे मैं तो ऐसे ही गाऊंगा, ऐसे उसको पेश करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना। इसलिए उसमें मोनोटोनस ये आ जाता है कि भाई कौन सा भी बंदिश बोलो लेकिन राग वैसे ही पेश कर रहे। और इसलिए बंदिशों का बहुत महत्व है। आज क्या होता है, एक बंदिश एक ख्याल सीख लिया और डायरेक्ट प्रोग्राम में गाना चालू, लेकिन इससे
और भी कुछ उसके नजरिए है, उसको देखना चाहिए, अच्छा सीखना चाहिए, है ना। जी, सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होना। पंडित जी, बंदिशों की हमने आपने बात कही यहाँ पर, तो बंदिशों में अलग अलग तरीके की बंदिशें और अलग अलग शब्दों से प्रेरित बंदिशें, अलग अलग भावनाओं से प्रेरित बंदिशें, इस तरह की बंदिशें हमारे यहाँ बनती रही हैं। फिर वो ईश्वर की आराधना की हो या मतलब श्रृंगार रस प्रदान हो, या कभी कभी डोमेस्टिक बंदिशें हैं जैसे सास बहु टाइप्स बंदिशें भी हमारे यहाँ बनी है। तो इस तरह के अलग अलग बहुत ज्यादा है। तो आपने भी बहुत सारी बंदिशों पे काम किया है, आपने बंदिशों के अलग अलग रचनाएं की हैं। आपको क्या लगता है एक बंदिश का रूप क्या होना चाहिए? राग की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से, लयात्मकता की दृष्टि से बंदिश कैसी होनी चाहिए? अगर वैसे बोला जाए तो बंदिश यानी क्या, तो उसमें क्या क्या होता है, तो स्वर, ताल, लय, राग, शब्द, या तराने की बंदिश तराने की भी होती है, इसलिए तराने की, या उसमें कभी कभी तबले के बोल या पखवाज के बोल या ऐसे होते हैं। तो ये सब होने के बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं बंदिश, बराबर। इससे जो बंदिश है उसको बोलते हैं बंदिश, सबसे बंधा हुआ, इन सबसे बंधा हुआ यानी बंदिश। और मैंने उससे तो और एक ये निकाला था कि बंदिश यानी क्या, तो इस सबसे बंधा हुआ तो है ही, लेकिन उसमें ईश नाम का एक ये भी आता है, बंदिश क्यों हो गया। तो इससे ये बंदिश के माध्यम से हमको कहाँ जाना है, ईश्वर के प्रति। तो उसको बोलेंगे बंदिश। एक बार बंदिश पे मैं ऐसे एक सेमिनार हुआ था, तो उसमें मैंने ये बात, एक मेरा पॉइंट था कि मुझे ऐसा लगा कि बंदिश यानी क्या, तो ये सब तो उसके घटक है, जो स्वर, ताल, लय, शब्द, ये सब उसके घटक है। लेकिन उसके बाद ईश जो आता है वो, यानी उसमें से हमको कहाँ जाना है, तो बंदिश के माध्यम से उसमें ये भावना हुई कि हमको ईश्वर पर जाना है, है ना। तो ऐसे बंदिश का एक प्योरिटी है अपने, तो उसका जो महत्व है बंदिश का वो तो बहुत ग्रेट है, क्योंकि उसको न मानने वाले बहुत लोग बंदिश को मानते नहीं है। किसी कलाकार ने बोले कुछ याद नहीं आया तो मेरा पता ही बोल दिया मैंने अंतरे में, ऐसे भी एक मजाक से किस्सा बोलते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि क्योंकि उनका अस्थाई भी नहीं समझ में आ रहा था, तो अंतरे में भी पता बोला तो क्या समझने वाला है। बराबर की कुछ समझ में नहीं आने वाला है तो कुछ भी बोला तो भी चलेगा। तो इसलिए शब्दों के उच्चार, अक्षर के उच्चार, अक्षर का इतना स्पष्ट होना चाहिए बंदिश में, तो इसमें वो नादमय होने चाहिए, ना कि पूरे स्पष्ट। जैसे हम भाषा थोड़ी वहां पे पेश कर रहे हैं, हम तो गाना पेश कर रहे हैं, तो उसको नादमय, उसको ये होना चाहिए शब्दों को। जैसे प्रभात्री जी ने बहुत अच्छा बोला है उसको कि बंदिश में जो होती है वो मराठी में उन्होंने बोला था, नादावली अक्षरे, स्वरमयी किताब में बहुत अच्छा लिखा है। तो नादावली अक्षरे इसका मतलब क्या है, तो उसको स्वर का आवरण है उस शब्दों को, हाँ, इसलिए वो वैसे आते हैं। जैसे मुकुट पर बारी जाऊ नागर नंद, मुकुट तो नागर नंद लैंग्वेज में, भाषा में उसको नंद है, नागर नंद, नंद के नगर में रहने वाला, ऐसे नागर नंद। लेकिन हम बोलते समय नागर नंद मुकुट, तो वो जो वो छोटा सा श्री कृष्ण हमारे सामने आ रहा है, तो उससे हम क्या बड़े आदमी की जैसे बात करेंगे, क्या रे कैसा है, ऐसे थोड़ी बात करेंगे। तो उसको क्या रे कैसा है, इधर आ बेटा, इधर आ, ये जो टोन है भाव, तो वो उस म्यूजिक में आते हैं। नागर नौंद, तो नन का नौंद हो, वो जो अ हो गया वो तो वो लाड़ीपन उसमें आना चाहिए, इसलिए हो गया जी, इसलिए वो छोटे कृष्ण को देख के वो बोल रही है कि मुकुट पर वारी जाओ, तेरे मुकुट पे मैं वारी जाओ, ये नागरनंद, वो संबोधनात्मक है नागरनंद। तो ये सब चीजें समझना, ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी बात है कि वो, क्योंकि भाव आना जरूरी है। बहुत बार ये देखा गया कि शब्दों के उच्चारण में शब्द समझ में नहीं आते हैं, बंदिश के शब्द ही नहीं समझ में आते हैं, तो ये क्या है, मतलब क्या ये सही है, और मतलब क्या करना चाहिए? ये संगीत में कहीं बताया गया है कि ऐसे शब्द बोलना चाहिए,
तो ये गलती किसकी है, तो प्रतिनिधि की गलती है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो है गाने की, उनकी गलती है, वो संगीत की गलती नहीं। बहुत लोगों का समझ ऐसे है कि गाना गाना है ऐसे कुछ बोलने का इसका मतलब गाना है, ऐसे आवाज लगाने से वो गायक और वो ये लगता है, इससे करने से ये थोड़ी होता है। ये भी गाना ही है, नॉर्मल रहो, आदमी के जैसा बिहेव करो, है ना। अभी जो नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी खासियत नहीं है, वो लेना नहीं चाहिए। वो अभी उस जमाने में थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दिया गया है ना, लेकिन इसके मतलब नए पीढ़ी ने भी वैसे ही करने के, नए जनरेशन ने वो वैसे गाते थे इसलिए हम भी करेंगे। तो ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल दिखेंगे कि जो ऐसे गाते थे उनके शिष्य लोग भी वैसे ही करते। अभी तेरा आवाज अगर अच्छा है तो वो खांस रहे तो आप क्यों खांस रहे हो आप क्यों खांसी निकाल रहे हो, उनको खांसी आती थी, आपको तो खांसी है ही नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो ये सब नकल है, तो आदमी की गलती बोलता हूँ मैं। हमारे संगीत में कुछ ऐसा बोला गया नहीं, हमारे संगीत में तो बोला गया है कि शुद्ध मुद्रा शुद्ध बानी, हमारे तिलक कामद राग में बंदी से सुर संगत राग विद्या संगीत प्रमाण जो कंठ कर दिखाए वाको जानिए गुनी जान, अनुद्रुत लघु गुरु कृत ताल मूल धर्म राखिए संगत सो आंचर सुध बानी, आंचर सुध आंचर यानी अक्षर, आंचर सुध बानी, तो वो अक्षर को अच्छी तरह से बोलना है, वो अक्षर वहां पे पहुंचना चाहिए, है ना। अपने भाषा का जो ग्रामर है उसका जो इसने निर्माण किया पाणिनि, तो उसने ही संगीत के शास्त्र का भी ग्रामर उसने उसका ही यह पाणिनि ने किया है, क्योंकि उसमें भाषा और ये अलग नहीं है, भाषा के सब सिद्धांत इसमें भी है। आपका जो हर अक्षर का उच्चार होता है उसमें जो पोजीशन होती है, जैसे जैसे बोला है कि भाई इसका कोकिला का सा और इसका पंचम उसका ये शास्त्र में बताया, तो उसके जैसा आवाज जब निकालेंगे तब मुंह की जैसी स्थिति होगी अंदर अपने टंग की या ये सब गाल और ये सब ये ऐसे जहाँ पे यूज होंगे तो वैसी जब स्थिति होगी तब वो सुर ठीक लगेगा। पर स्थान यानी वो है शरीर में का स्थान उसका, अपने ग्रंथों में बताया गया है कि सरस पंचम हाँ कंठ से लगाया है, लगाना चाहिए तो ये बकरे से गा वगैरह लगाना चाहिए, हाँ ये गा लगाना चाहिए जी, जी। हाँ हृदय से अपना ऋषभ लगाना चाहिए। गंधार जो है वो नासिका से, मध्यम जो है वो चेस्ट छाती से है, और धैवज जो है वो पूरे माथा से है, और निषाद जो है वो हम जहाँ पे बिंदी लगाते हैं यहाँ पे वहां से निषाद। हाँ तो ये सब शंकर ने, शंकर को प्रसन्न किया था रावण ने अपने गायन से, तो उन्होंने तब वहां कहां से स्वर लगाए थे इसका वर्णन है गुरुचरित्र के ग्रंथ में, अपना तत्व गुरु जी का ग्रंथ गुरुचरित्र, आपको तो मालूम होगा, तो उसमें ये सब वर्णन है। तो देखो कब से वो वॉइस को हम जो आज बोलते कि आवाज साधना का हमने स्टडी किया और वॉइस कल्चर और वो तो उन्होंने कब से करके रखा है, लेकिन स्टडी करो तो समझेगा। और आज मैंने वो सब पढ़ के मैंने वो प्रैक्टिकली मैं शिष्यों से करवाता हूँ तो वो सब बराबर आवाज आता है जी, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बातें बताई आपने पंडित जी। एक बात है, जैसे अभी आपने बताया नकल की बात हुई बीच में, तो ये बीच में बहुत ट्रेंड चला था, इनफैक्ट अभी भी ऐसा कुछ है कि मैं इनका शिष्य हूँ या ये इनके शिष्य हैं, तो इन्होंने मतलब गुरु को पूरा पूरा उतारने की कोशिश अपने अंदर, फिर वो उसका मतलब बाहरी रूप हो तो बाल ऐसे ही होंगे, कपड़े ऐसे ही होंगे, या उसके आवाज का। संगीत में हर प्राणी की, हर मनुष्य की आवाज एक दूसरे से अलग है, और गुरु की आवाज एग्जैक्टली मुझे नहीं लगता कि छात्र में वैसी की वैसी आ पाती है, उसकी सभी विशेषता उसके गले से उस तरह से निकल पाती है। तो शिष्य का जब गाना गाता है या जब सीखता है तो उसे किस बात पे ध्यान देना चाहिए, मतलब गुरु की आवाज लेने में ध्यान देना चाहिए, अपनी आवाज डेवलप करने में, आप क्या, आपका क्या विचार है इस बारे में, मतलब आवाज की बात हो या शिक्षण की बात हो, पूरा गायकी की बात हो। देखो जब सीखते हैं ना, जब सीखते हैं गुरु के पास जब सीख रहे हैं तो बहुत बार अनुकरण होता है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अनुकरण से क्या होता है कि गुरु जो क्या बोलना है वो हमको समझ,
उनको कैसा चाहिए, उनको कैसा आना चाहिए, क्या है उनके, कैसा आवाज लगाना चाहिए, किस अप्रोच से गाना चाहिए, ये सब करते समय उसमें नेचुरली अनुकरण हो ही जाता है। लेकिन सही शिक्षण कब चालू होता है मालूम है? पूरा सीखने के बाद जो रियाज चालू होता है तब चालू होता है। शिक्षण के दो पार्ट होते हैं, एक गुरु के पास सीखना और फिर गुरु को छोड़ने के बाद खुद से सीखना। और वो खुद से सीखने में जो अच्छा काम करता है वो अच्छा कलाकार बनता है, और जो वहीं पे अपना खत्म कर देते हैं काम तो वो वैसे के वैसे रह जाते हैं, वो गुरु के जैसे ही गाते हैं, सब गुरु के जैसा स्टाइल, हाथ भी वैसे करेंगे, ग्लास भी वैसे उठाएंगे पानी। ऐसे भी हम देखे है कि अरे क्या, तो इन्होंने उस बात में रियाज ही नहीं किया कुछ, बस वो जो है वो वैसे गा है। तो हम हंसते है कि अरे क्या यार, तो उनके ऊपर इतना प्रभाव रहता है। अभी गुरु का प्रभाव होना ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इससे इसमें थोड़ा सा गुरु जी को, गुरु लोगों का भी ये होता है, गुरु लोगों ने इससे खुश नहीं होना, गुरु लोगों ने बताना चाहिए कि ये ऐसा तो जो कर रहा है ये गलत है। लेकिन बहुत से गुरु ऐसे है कि भाई वो खुश हो जाते कि जब मेरे जैसा कार्य, देखो बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसा कार्य, देखो ये तो गलत बात है, आपने उसको बोलना चाहिए कि ऐसा मत करो कुछ। और अपना जो राग संगीत है उसमें क्या, हम आज गाते तो ख्याल, बराबर है? मैं तो इसके लिए एग्जांपल देता हूँ, हम गाते हैं ख्याल, तो ख्याल भाई किसके होने चाहिए, हर एक के ख्याल अलग होंगे ना। जैसे आप कुछ लेने के लिए जाओगी तो आप अपने चॉइस से कुछ लेगी, दूसरी लेडी जाएगी तो वो दूसरा लेगी ना, कि वो जैसे आपके जैसे लेगी नहीं ना, तो फिर उसके ख्याल से बोलेगी। वैसे ख्याल गायन है क्यों, तो अपने ख्याल पेश करने के लिए है ना। तो वो ख्याल अगर आप दूसरे की पेश कर रहे हो तो आप तो पोस्टमैन बन गए, आप कलाकार नहीं। किसी के ख्याल आप अगर पहुंचा रहे हो तो वो तो आप पोस्टमैन बन गए, आप तो खुद कलाकार ही नहीं। जी। तो आपके ख्याल आएंगे तब आप कुछ कलाकार बनो, कला का जो आकार दे सकता है वो कलाकार। क्या बात, दूसरे की कला को पेश करने वाला कलाकार कैसे बोलेंगे, है ना? वो तो ज्यादा से ज्यादा ही बोलेंगे कि भाई हाँ भाई उनका गाना सुना है तो इनका भी सुनिए, तो अपने को पता चल जाएगा कि उनका गाना कैसे है, और ज्यादा क्या हो। इसलिए ख्याल गायकी में अपने थॉट्स, थॉट प्रोसेस अपनी होनी चाहिए, तब जाके वो होगा। और आप जो बोल रही है वो बराबर है, पूरा शिक्षण होने के बाद जब रियाज होता है तब जाके खुद का गाना कुछ सालों के बाद मिलने की कोई गारंटी रहती है कि भाई मिल सकता है, मिलेगा भी ऐसा नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए शिक्षण होने के बाद का रियाज बहुत कठिन है, क्योंकि वो खुद का रास्ता खुद को चुनना है। तो मेरे ख्याल से उसके बाद 10 साल एक आर्टिस्ट बनने में जाते हैं, पूरा एजुकेशन होने के बाद, 10 साल। पंडित जी, रागानुसार स्वर लगाओ की आप बात करते, क्योंकि हमारा जो संगीत है वो श्रुति के ऊपर निर्भर करता है। मतलब बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ हारमोनियम का प्रयोग अभी होने लगा है शास्त्रीय संगीत में पिछले कुछ सालों में, कुछ बहुत ज्यादा सालों के, अभी 40-50 साल के होने आए हैं कि ज्यादा प्रयोग हो रहा है। सारंगिया वायलिन उसकी जगह का वो था, सब्स्टिट्यूट था सारंगी का, वो भी हट गया है। सारंगी तो भी मुझे नहीं लगता, बहुत शायद बहुत रेयर में कोई आर्टिस्ट लेते होंगे। पहले बहुत सुंदर वाद्य स्वर मंडल भी एक सब लोग अपने गाने के साथ लेते थे, पर अभी जो रह गया है सबसे ज्यादा वो हारमोनियम है। और हारमोनियम ये उनका स्केल अलग है, टेम्पर्ड स्केल बेस्ड है, सिखाया भी जब जाता है शास्त्रीय संगीत तब हारमोनियम को लिया जाता है, जब आर्टिस्ट प्रस्तुतिकरण कर रहा है तब भी हारमोनियम। ऐसे में जब हम अगर रागानुसार स्वर के लगाव की बात करते हैं या राग के स्वरों की बात करते हैं तो वो क्या खत्म नहीं हो जाते हैं? मतलब शास्त्रीय संगीत को ये खत्म नहीं कर रहा हारमोनियम, और क्या करना चाहिए? मतलब तानपुरा ही एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास, या इज देयर एनीथिंग? जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने श्रुति हारमोनियम, श्रुति पेटी, इस तरह का भी प्रयत्न किया है, तो जानना चाहती हूँ। जी, मैं जानना चाहती हूँ आपका ये, हाँ, क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा है कि क्या है कि श्रुतियों का जो लगाव है, जो स्वर लगाव जो है अपने रागों में, जैसे मैं अभी थोड़ा तानपुरा आम करता हूँ, जैसे कोमल गंधार का हम जो हमने एग्जांपल लिया, स्वरों का भी रागों में रोल होता है। ये कोमल गंधार भी तोड़ी राग में कैसा रोल करता है, सा रे गा रे,
ये खुला गन्ना है इसको बोलते हैं मा, 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 उसकी देखो दर्जे देखो उसके श्रुति देखो तो ये मुक्त गंधार बोला जाता है खुला गंधार है मुक्त गंधार तो ये तोड़ी में है अब तो यही कोमल गंधार जब दरबारी में आता है तो कैसे आता है रे सा रे कहाँ वो तोड़ी का गंधार और कहाँ ये गंधार दोनों एक है ऐसा भी कोई बोलेगा नहीं काफी में कैसा आता है ए रे न रे न वाह 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 न कोई देसी में कैसा आता है ए किया जाए तो ये कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एक स्वर के दर्जे अलग अलग रागों में कैसे है उसका अभ्यास और उसको लगाने की कोशिश करना ये साधना है गायक ने वो सब सुर लगाव दिखाना है बराबर है जैसे मैंने अभी बताया तीन महीने गंधार दिखाए तीन गंधार एकदम अलग थे और तीनों में वो राग सामने आ गया जी हाँ तो ये स्टडी होना बहुत जरूरी बहुत महत्वपूर्ण इस बात पर अभ्यास होना चाहिए राग के स्वर के लगाव के इस बात पर अभ्यास होना चाहिए।